प्राण भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है। नमस्ते, मैं मोहित पांडे, अर्थ प्रकाश देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरपाल सिंह जो बांसुरी बजाते हैं। आपने कला तो देखी होगी, बहुत सारी कला, पर कुछ कलाएं छुपी रह जाती हैं। अर्थ प्रकाश उन्हीं कलाओं को उभार रहा है। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपको स्वागत है। पहले तो बहुत आपका धन्यवाद सर। ये बताइए, जो बांसुरी है, बांसुरी के बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं कृष्ण जी से ज़्यादा लगाव रखता था बचपन में। अच्छा। हाँ, तो मुझे बांसुरी बहुत पसंद आई और उसे मैं जो हूँ अपना बजाता था। सर, बांसुरी बजाने की प्रेरणा कहाँ से आई आपको? प्रेरणा कृष्ण जी से। और सर, बचपन में आप किसको देख के आपने बांसुरी बजाना शुरू किया था? बस कृष्ण जी को कृष्ण जी का ध्यान था। अच्छा सर, ये बताइए, बांसुरी बजाने के दौरान किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको बचपन में या बड़े होकर जब आपने बांसुरी बजाना शुरू किया? हाँ, जैसे मतलब बुजुर्ग नहीं बजाने देते। किस प्रकार का मना करते थे वो? अने बांसुरी का वो जो ठीक नहीं है ऐसा कहते थे। बांसुरी को मना करते थे, बांसुरी बजाने से मना करते थे? हाँ, बांसुरी बजाने से जी। और ये बताइए सर, मतलब आपके जो परिवार वाले थे उसको किस प्रकार समर्थन मिला फिर आपको कि मतलब आप बांसुरी बजा सकते हैं अब? नहीं, हमारा जो है असल में कुआ जिससे पानी सिंचाई करते हैं जी सर, तो वो गांव से बाहर था जी। और मुझे शौक था और घर पर तो बजाने नहीं देते वो, तो वहाँ जाकर मैं रात को वहीं सोता था बांसुरी बजाने के लिए। हाँ, बांसुरी बजाता था। नहीं, उसे मतलब देखभाल भी उसके कुएं की, जैसे मान लिया बिजली का कुआ चल रहा, कब बिजली भाग जा कब क्या करे तो फिर चलाना पड़ता है जी सर। तो ये बांसुरी में बजाता था, कुआ चल रहा है अपना और मैं बांसुरी बजाता था। सर, आप मतलब बांसुरी बजाते थे, इसके अलावा कुछ करते थे? नहीं, और कुछ नहीं, बस सोना नहीं, जीवन भर आपने बांसुरी बजाई है, इसके अलावा नौकरी वगैरह कुछ किया करते थे? हाँ, तो वहाँ भी आप बांसुरी बजा के सुनाया करते थे लोगों को अक्सर? नहीं, कभी कभी जो है जो मतलब रामलीला जैसा होती ना गांव में जी, तो उस पर स्टेज पे एक दो गाना बजा देता उनकी चॉइस पे। आप अपनी मनपसंद के, जो आपके मनपसंद कोई ट्यूनिंग हो बजा दीजिए बांसुरी में एक बार। अच्छा जी। सर, ये बताइए, आपने कौन जो है बांसुरी बहुत तरह की बांसुरी आती है, आपने कौन कौन सी बांसुरी बजाई है? 7-6-2 वाली लोहे की भी जी, और अधिकतर तो खैर ये बजाई है बांस की जी, और लोहे की बजाई। लोहे की जब तक मतलब उन्हें बढ़िया काम करा और तो ये उसके छेद घिस गए काफ़ी, और जब छेद घिस गए तो वो टूटने लगे। हाँ, फिर वो बांसुरी टूट गई, फिर बदली। सर आपने देखा होगा अक्सर बांसुरी वादक को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी बाकी संगीतकारों को दी जाती। हाँ, है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है, लेकिन एक तो हमें टाइम नहीं था नौकरी में, और दूसरे जो है हम इतना वो नहीं जानते थे कि वहाँ संगीत मान लिया जैसे बम्बई वगैरह हो रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे उसे वो करेंगे, मतलब ये हमारे दिमाग में नहीं था मामला कि हम इतने संगीतकार हो जाएंगे जी। सर ये एक कोई जो आपको मन पसंदीदा गीत हो वो बता के सुना दीजिए इसमें जी बांसुरी में। अच्छा, Thank you.
जोर से बजा दो। बहुत बढ़िया सर। हाँ। सर अंत में बांसुरी जो चाहने वाले हैं उनके लिए कुछ कह दीजिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश काफ़ी मेरे पास में वो आते हैं सीखने के लिए, लेकिन मैं बस सिखाता नहीं। एक तो यहाँ पाबंदी रहती है ना थोड़ी, है ना, मतलब इसकी आवाज़ तो होगी ही होगी। नहीं सर, जो बांसुरी सुनने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सुनने वाले तो भाई शौकीन होती हैं बांसुरी के, ये तो बात। अब बांसुरी का संगीत भी मुझे सही लगा, तभी मैंने चॉइस इसे मतलब चुना। हमारे साथ मौजूद थे बांसुरी वादक अमरपाल सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ी बांसुरी बजाई। हमारे अर्थ प्रकाश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।